हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज अनदर वीडियो ऑफ द चैप्टर रिजर्वेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। बेटा अभी तक मैंने आपको दो वीडियोस बनाई हैं इस चैप्टर की। कौन सी? एक वीडियो वो थी जिसके अंदर हमने रियलाइजेशन अकाउंट किस तरह से बनाया जाता है वो बताया था, और एक वीडियो में मैंने जनरल एंट्रीज बताई थी। और मैंने बोला था कि कुछ जनरल एंट्रीज आगे भी आएंगी, वो मैं धीरे धीरे समझाऊंगी। जैसे कि आज का टॉपिक बेटा क्या है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। सबको पता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एक स्पेसिफिक रिजर्व है जो वर्कर्स के लिए बनाया जाता है, क्योंकि जब हमारे फॉर्म के अंदर वर्कर्स काम करते हैं तो कुछ भी उनके साथ मिस हैपनिंग हो सकती है, कोई एक्सीडेंट हो सकता है, तो उन्हीं के लिए हमें ये रिजर्व बनाना पड़ता है। तो हमें यानी कि क्लेम देना पड़ता है जब कोई मिस हैपनिंग हो जाती है वर्कर्स को। तो अब उसकी कई सिचुएशन समझाने जा रही हूँ इस चैप्टर के अंदर। जो हमने चैप्टर किया था चेंज इन PSR, या हमने किया एडमिशन ऑफ ए पार्टनर्स, ठीक है, और जो हमने किया था रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, उसमें आपको सबको सारे क्लियर होंगे वर्कमैन कंपनसेशन के केसेस। इसके अंदर जो है वर्कमैन कंपनसेशन के केसेस में कुछ थोड़ा सा चेंज है, वो क्या है वो मैं धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सिखाती हूँ, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले वर्कमैन कंपनसेशन के रिजर्व फर्स्ट केस क्या है, इन केस एंड देन देयर इज नो लाइबिलिटी अगेंस्ट इट, कि कोई भी लाइबिलिटी नहीं है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के अगेंस्ट, कि कोई क्लेम नहीं हुआ। ये वही है जो हमने किया था चेंज इन PSR हो, चाहे एडमिशन ऑफ ए पार्टनर हो या रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर हो, तो हम एंट्री क्या करते थे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जैसे हम चेंज इन PSR में ये एंट्री करते थे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, है ना। एडमिशन में क्या करते थे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, है ना, क्योंकि नए पार्टनर को नहीं दिया जाता और रिजर्व का हिसाब से कोई नहीं कमाया अभी तक, कुछ भी रिजर्व नहीं कमाया, वो तो अभी नया आया। लेकिन जब हम रिटायरमेंट की एंट्री करते तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट होता है कि रिटायरिंग पार्टनर को भी उसके रिजर्व में से हिस्सा दिया जाता है जो बिजनेस के अंदर रिजर्व पड़े हैं। तो यहाँ पर क्या है, हमारी फॉर्म क्या हो रही है, डिजोल्व हो रही है। डिजोल्व मीन्स बंद हो रही है। जब फॉर्म डिजोल्व हो रही है, बंद हो रही है, तो जितना भी रिजर्व पड़ा है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, वो सारा का सारा इन केस ऑफ नो लाइबिलिटी इज देयर, कि लाइबिलिटी है ही नहीं, तो सारा का सारा हम पार्टनर की कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। कैपिटल अकाउंट में कब ट्रांसफर करते हैं बेटा, जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होती है, और करंट अकाउंट में कब ट्रांसफर करते हैं, जब कैपिटल फिक्स होती है। ये डिपेंड करता है क्वेश्चन की लैंग्वेज में कि कौन सा अकाउंट दे रखा है। अगर कुछ ना बताया जाए तो वो कैपिटल क्या होती है, फ्लक्चुएटिंग होती है। तो सारा का सारा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व सभी पार्टनर को दे दिया जाता है इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्लियर हो गया, दैट इज केस वन। नाउ केस टू इज इन केस द अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी इज लेस देन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। इसका मतलब क्या, मान लो एक एग्जांपल देती हूँ। मान लो मतलब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 1,00,000 था और लाइबिलिटी हमारी 80,000 है, तो जो 20,000 बचेगा वो पार्टनर में उनकी रेशियो में बांट दिया जाएगा। लेकिन ये पॉइंट याद रखना है कि ये कोई हम क्लेम जो है, ये नहीं कि भी हम उतना ट्रांसफर कर देंगे वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम में। अब हम जैसे चेंज इन PSR करते थे, एडमिशन करते थे, रिटायरमेंट करते थे, हम उसमें क्या आपको पता जितनी लाइबिलिटी होती थी वो प्रोविजन वर्कमैन कंपनसेशन में ट्रांसफर करते थे। पर यहाँ पर आपको पता है जैसे लाइबिलिटीज होती हैं, जैसे आउटसाइड लाइबिलिटीज होती है, क्रेडिटर्स हो गए, बिल पेबल हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसिस हो गए, इनकम रिसीविंग एडवांस हो गया, तो ये सारी लाइबिलिटीज जो हैं हम ट्रांसफर करते हैं ना रियलाइजेशन अकाउंट में। जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि रियलाइजेशन अकाउंट में हम ट्रांसफर सारी आउटसाइड लाइबिलिटीज को, है ना, बाय एक वाली तरफ जब हम क्रेडिट साइड लिखते हैं। ऐसे ही जो है जितना हमारा क्लेम है, जैसे मैंने बोला हमारे पास रिजर्व 1,00,000 है, तो क्लेम हमारा 80,000 है, वो 80,000 हम कहां ट्रांसफर करेंगे, रियलाइजेशन की क्रेडिट में करेंगे, ठीक है। तो उसमें हम क्या लिखेंगे, बाय WCR वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, कितना जितनी हमारी लाइबिलिटी है, और बाकी जो बच गया वो पार्टनर में उनकी ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। तो इस केस में, सेकंड केस में दो एंट्रीज होगी। पहली एंट्री समझ लो, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। बेटा मैंने इसे माना 1,00,000 का जो है रिजर्व है, और रियलाइजेशन के खर्चे हमारे रियलाइजेशन में हमें 80,000 ट्रांसफर करना है, क्योंकि क्लेम हमारा जो है 80,000 है, तो जो बच गया 20,000 वो हम पार्टनर में उनकी रेशियो में बांटेंगे, तो 80,000 रियलाइजेशन में ट्रांसफर हो जाएगा और 20,000 जो पार्टनर की कैपिटल अकाउंट में आ जाएगा, अगर कैपिटल क्या हो फ्लक्चुएटिंग हो, और अगर कैपिटल फिक्स हो तो कहाँ चला जाएगा, करंट अकाउंट में। बेटा इससे रिलेटेड मैं अभी आपको क्वेश्चन करवाऊंगी, सिर्फ अभी आपने ये टॉपिक समझना है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, ठीक है। उसके बाद जो है इसी का जो सेकेंड केस मैंने बताया है, इसी की बी एंट्री करा रही हूँ।
बी एंट्री क्या होगी, जितना पैसा हमने रियलाइजेशन में ट्रांसफर किया सारा का सारा अब हम क्या कर देंगे, पार्ट जो वर्कमैन कंपनसेशन का क्या कर देंगे, पे कर देंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट। ये डिपेंड करता है क्वेश्चन में कैश इन हैंड है तो टू कैश आएगा, कैश और बैंक है तो टू बैंक आएगा, अगर दोनों है कैश इन हैंड भी कैश और बैंक भी तो बैंक अकाउंट आ जाएगा। ये कौन सा केस था, सेकंड केस था जिसके अंदर हमारी लायबिलिटी कम थी और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ज्यादा था, तो जितना ज्यादा था वो हम पार्टनर में बांट दिया, ठीक है। और ये फिर हम जो हमने ट्रांसफर किया है सारा का सारा हमने रियलाइजेशन के एक्सपेंसिस को क्या कर दिया, पे कर दिया। अब लिखिए थर्ड केस, इफ इन केस द अमाउंट ऑफ लायबिलिटी इज इक्वल टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। इसका मतलब क्या आता है कि जितना हमारे पास रिजर्व है उतना ही हमारी लायबिलिटी है कि हमें पे करना पड़ेगा। इट मीन्स हमारे पास कोई भी रिजर्व नहीं बचा पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करने में। इसके अंदर भी आप बेटा दो एंट्रीज करोगे, कौन सी, एक तो पहली एंट्री तो यही होगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, फॉर एग्जाम्पल 1 lakh rupees है, हम 1 lakh लिख देंगे। टू रियलाइजेशन में जाना है इसका अमाउंट 1 lakh, ये ट्रांसफर कर दिया हमने 1 lakh 1 lakh, है ना। फिर आप इसकी सेकेंड एंट्री क्या होगी, अब हम रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट करेंगे कि पेमेंट करने की एंट्री होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट अगर कैश इन हैंड हो क्वेश्चन में, और बैंक अकाउंट अगर कैश एट बैंक हो, और अगर दोनों हो तो टू बैंक आएगा। अब दोबारा सुनो कि हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 1 lakh था और हमारा जो है क्लेम भी 1 lakh ही है, तो सारा का सारा रिजर्व जो है हम रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर देंगे और सारा का सारा हम रियलाइजेशन टू कैश करके या बैंक करके हम पे भी कर देंगे। कि ये कौन सी सिचुएशन है जब हमारी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी जितना है उतनी ही हमारी लायबिलिटी है, इट मीन्स हमारे पास कुछ भी नहीं बचा पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, तो ये सिचुएशन है, ठीक है। अब हम सिचुएशन 4 करेंगे, लिखिए इफ वर्कमैन कंपनसेशन देयर इज, हम ये भी कह सकते हैं इफ देयर इज नो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व गिवन इन द बैलेंस शीट बट देयर इज वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। ये कौन सी सिचुएशन है कि जब हमारे को वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है ही नहीं क्वेश्चन में पर हमें देना पड़ेगा, तो ये हमारी कौन सी लायबिलिटी, अनरिकॉर्डेड जैसे हम लायबिलिटी कहते हैं, तो इसकी एंट्री क्या होगी, आप लिखें इसका आंसर। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, एक ही एंट्री बता रही है इसकी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट। इसका मतलब समझ लेना क्या कि जब हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है ही नहीं पर हमें पे करना है अपने वर्कर्स को, हो जाता ना कई बार वर्कर का एक्सीडेंट हो गया तो हमें उसको क्लेम पे करना पड़ेगा, तो हम एंट्री क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट। एक केस में आपको और बताने जा रही हूं बेटा, एक केस ये है कि कभी कभी हमारी जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है जितना है हमारी लायबिलिटी उससे ज्यादा हो जाए। देखिए इफ लायबिलिटी इज मोर देन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, कि अगर हमारी लायबिलिटी जो है ज्यादा हो जाए तो अब क्या करें उस सिचुएशन में। मान लीजिए हमारे पास रिजर्व 1 lakh ही थे पर लायबिलिटी 1,20,000 है, तो उस सिचुएशन में एंट्री देखिए क्या होगी, पहले तो जितना हमारे पास रिजर्व पड़ा है वो किसमें डाल देंगे, रियलाइजेशन में, तो आप लिखेंगे वर्कमैन कंपनसेशन
reserve account debit to realization account. कितने पैसे डालेंगे जितने हमारे पास हैं रिजर्व में, हमारे पास तो 1,00,000 ही है, 1,00,000 डालेंगे तो 20,000 हम क्या करेंगे, 20,000 पे हमें और पे करने पड़ेंगे, तो एंट्री हमारी क्या हो जाएगी, बी पार्ट की रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट अगर कैश में पे हो रहा है, टू बैंक अकाउंट अगर क्वेश्चन में कैश एट बैंक हो या दोनों हो, कैश ही बैंक बैंक हो तो टू बैंक अकाउंट. दोबारा सुनो, हमारे पास रिजर्व 1,00,000 है तो हमने 1,00,000 ही ट्रांसफर करना, हमारे पास इससे ज्यादा नहीं है. तो पहली एंट्री भी गवर्नमेंट कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 1,00,000 1,00,000 और दूसरा जो होगा क्या होगा, रियलाइजेशन टू कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट, हम 20,000 की क्या कर देंगे, पेमेंट कर देंगे. बेटा मैंने इस जो है गवर्नमेंट कंपनसेशन रिजर्व के बारे में मैंने 5 बातें कही हैं, 5 ध्यान से सुनो. पहली बात यह है कि अगर हमारे पास गवर्नमेंट कंपनसेशन रिजर्व है और कोई क्लेम नहीं है तो हम सारा का सारा रिजर्व पार्टनर में बांट देंगे. तो पहली एंट्री क्या थी, गवर्नमेंट कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, क्लियर हो गया. दूसरा केस जो है क्या कराया था कि जब हमारी लायबिलिटी जो है वो कम है यानी कि रिजर्व ज्यादा है, तो हमारी एंट्री क्या हुई थी, गवर्नमेंट कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट फिर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. और सेकेंड एंट्री भी हुई थी इसकी, रियलाइजेशन टू बैंक अकाउंट, कि जितनी हमारी एक्चुअल लायबिलिटी है वो हमें पे भी करनी ही पड़ेगी. ठीक है, थर्ड सिचुएशन मैंने क्या कराई थी कि जब हमारा गवर्नमेंट कंपनसेशन रिजर्व और क्लेम दोनों बराबर है तो हमारी एंट्री क्या होगी. दो एंट्रीज बताई थी मैंने, एक एंट्री बोलती गवर्नमेंट कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया 1,00,000 का 1,00,000 1,00,000 फिर पे करने की रियलाइजेशन टू कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट, पूरा हमने पे कर दिया. ठीक है, एक मैंने बताई अनरिकॉर्डेड है. अनरिकॉर्डेड का मतलब है कि कोई हमारे पास बैलेंस शीट के अंदर गवर्नमेंट कंपनसेशन रिजर्व है ही नहीं पर हमें क्लेम पे करना पड़ेगा, तो एक सिंगल एंट्री होनी है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. और फिफ्थ सिचुएशन मैंने ये कराई है कि जब हमारे पास क्लेम जो है ज्यादा हो जाता है, रिजर्व कम होता है, तो हमें क्या करना पड़ता है, जितना रिजर्व पड़ा है वो सारा हम रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर देंगे, गवर्नमेंट कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. फिर हम क्या करेंगे, फिर हम पे करने की एंट्री करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट. और मैं इसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन बता लूंगा. नहीं क्वेश्चन बेटा, हम क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे डीके वर्ल्ड की बुक का. मनोज एंड नंद वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2. मनोज और नंद दो पार्टनर है जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:5:2:5 है. पांच जनरल एंट्रीज अंडर फॉलोइंग सिचुएशन एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म. अब बेटा इसने 4 सिचुएशन दे रखी हैं, मैं जैसे जैसे सिचुएशन आएगी वैसे वैसे जनरल एंट्री करूंगी. ठीक है, पहला केस क्या है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व स्टूड एट 1,00,000 एंड देयर वाज नो लायबिलिटी टुवर्ड्स वर्कमैन कंपनसेशन. ठीक है, यहाँ पे ये दिया हुआ है कि हमारे दो पार्टनर जिनकी रेशियो 3:5:2:5 है, वर्कमेंट कंपनसेशन रिजर्व हमें 1,00,000 देगा और कोई भी लॉयल्टी नहीं हुई, तो अब आप पहले क्या करोगे, बनाओगे जर्नल. क्वेश्चन नंबर 1 है, सबसे पहले आपको फॉर्मेट आता है डेट, पर्टिकुलर्स, फिर बनेगा LF, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट. ठीक है, अब जैसे जैसे सिचुएशन आती जा रही है वैसे वैसे समझा के उसका सोल्यूशन करा रही हूँ. सिचुएशन 1 में क्या था, हमारे पास वर्कमेंट कंपनसेशन रिजर्व दे रखा है बेटा, लेकिन कोई भी क्लेम नहीं दिया हुआ, तो आप लिख लीजिए डेट हमें नहीं दे रखी, यहाँ पर 1 लिख दो. ये केस 1 है, वर्कमेंट कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जो भी पार्टनर का नाम है, देखो को क्या है उसमें बांट दो. LF का कॉलम मैं थोड़ा सा छोटा कर रही हूँ क्योंकि इसमें हमें कुछ लिखना नहीं होता, पेज नंबर नहीं लिखना होता. वर्कमेंट कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू मनोज कैपिटल अकाउंट टू नंस कैपिटल अकाउंट, हमारे दो पार्टनर है, सारा का सारा रिजर्व हम इनको बांट देंगे. ठीक है बेटा, देखिए हमारे पास वर्कमेंट कंपनसेशन रिजर्व कितना है, 1,00,000 है, रेशियो 3:2 है, 3:5 और 2:5
थ्री बाय फाइव करके देखो तो 60,000 आ गया पहले का और 40,000 आ गया दूसरे का। नरेशन क्या होगी इसकी बेटा, बीइंग, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, वर्कमैन कंपनसेशन इज अ ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कि हमने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को कहाँ ट्रांसफर कर दिया, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, क्लियर। उसके बाद हम सिचुएशन सेकंड पढ़ेंगे, पहले उसको समझेंगे फिर हम उसका सोल्यूशन करेंगे। आगे देखिए बेटा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व स्टूड एट 1 लाख, लायबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ इट वाज असर्टेन एंड 75,000, कि हमारे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितने 1 लाख है और जो लायबिलिटी है उसके अगेंस्ट 75,000 ये। इट मीन मान लो कितने पैसे बच गए, 25,000 बच गए, वो हम पार्टनर में उनकी रेशो में बांट देंगे। ऐसी सिचुएशन में दो एंट्रीज होंगी, क्या होंगी वो भी मैं समझाती हूँ लिखते हुए। देखिए केस टू पार्ट वन, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, जितना हमारे पास रिजर्व है, टू रियलाइजेशन अकाउंट, जितना हमारी लायबिलिटी है उतना रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर देंगे, टू जितना बच गया। अब आपको पता चल रहा है 1 लाख हमारे पास क्या है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, जिसमें से 75,000 हमारे क्लेम के पे करने पड़ेंगे, तो बच कितने के 25,000, वो हम मनोज कैपिटल अकाउंट टू नंस कैपिटल अकाउंट देने पड़ेंगे, उनको डिस्ट्रीब्यूट करने पड़ेंगे, ठीक है। नंस कैपिटल अकाउंट हमारे पास बचे कितने, बच गए 25,000 बच गए ना, उसको हम अगर 3/5 करें 15,000 देंगे पहले पार्टनर को और 10,000 दे देंगे दूसरे पार्टनर को, 2/5 करके 25,000 का भी एक्सेस WCR ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अभी मैंने पूरी बात नहीं करी, अभी मैंने कहा कि पहले हमने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ट्रांसफर कर दिया रियलाइजेशन में टू द एक्सटेंट ऑफ लायबिलिटी, कि जितनी हमारी लायबिलिटी है 75,000 की लायबिलिटी हमने ट्रांसफर कर दी, फिर जितना बच गया हमारा 25,000 बच गया, हमने 3/5 बांट दिया। ये था सेकंड केस जिसका पार्ट ए था। अब सेकंड एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन टू बैंक, क्यों होगी, क्योंकि ये हमें 75,000 अपने वर्कर्स को देना ही पड़ेगा। तो अब आप करेंगे सेकंड एंट्री। अब बेटा हम क्या करेंगे, जो रियलाइजेशन में ट्रांसफर किए थे पैसे 75,000 रुपीज जो हमने ट्रांसफर किए थे, वो क्या कर देंगे, पे कर देंगे टू कैश अकाउंट भी लिख सकते हैं, बैंक अकाउंट भी लिख सकते हैं, ठीक है। आप क्या लिखेंगे, 75,000 जो है हमने क्या कर दिए, पे कर दिए हैं बीइंग वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम पेड, हमने पे कर दिया, क्लियर हो गया। दोबारा समझो सेकंड केस, इसमें हमारे पास 1 लाख रुपीज थे, 75,000 की लायबिलिटी थी, तो हमने क्या किया, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 1 लाख कर दिया, टू रियलाइजेशन 75,000, जो 25,000 बच गया वो हमने ओल्ड रेशो में, न्यू तो निकालते नहीं, पार्टनर में ओल्ड रेशो में बांट दिया, पहले ट्रांसफर किया, अब हमने पेमेंट की एंट्री कर दी रियलाइजेशन टू बैंक। अब देखिए बेटा थर्ड क्या है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व स्टूड एट 1 लाख एंड लायबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ इट वाज असर्टेन एट 1,20,000, ये कौन सी सिचुएशन है, हमारे पास रिजर्व 1 लाख है और क्लेम 1,20,000 है, कितना ज्यादा 20,000। तो अब हम क्या करेंगे, पहले तो जितना रिजर्व है सारा ट्रांसफर करो रियलाइजेशन में, तो आप लिखेंगे थर्ड का पार्ट ए क्या, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, जितने पैसे हमारे पास रिजर्व में पड़े हैं सारे के सारे हम रियलाइजेशन में क्या कर देंगे, ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि इस सिचुएशन में हमारी लायबिलिटी ज्यादा है और रिजर्व क्या है, कम है, रिजर्व हमारे पास 1 लाख है, आप ट्रांसफर कर दो इसमें 1 लाख बीइंग वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ट्रांसफर्ड
टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, अब बात खत्म नहीं हुई, अभी इसकी सेकेंड एंट्री बाकी है। क्या अब हमें देने तो हमारे 20,000 पड़ेंगे ना, हमारी लाइबिलिटी जो है बढ़ गई है, पर पेमेंट करने की एंट्री क्या होगी? आप लिख लीजिए रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट भी लिख सकते हो आप, जितनी लाइबिलिटी है सारी पे कर दो, 1,20,000 बीइंग लाइबिलिटी ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन पेड, वर्कमैन कंपनसेशन पेड पे करने के लिए। आप वो भी लिख सकते थे जैसे मैंने वहां लिखा है बीइंग वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, तो भी चलेगा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे अगली सिचुएशन, सिचुएशन 4। वर्कमैन कंपनसेशन इज स्टूड एट 1,00,000 एंड द लाइबिलिटी ऑफ इट इज 1,00,000 कि हमारे पास रिजर्व 1,00,000 है और 1,00,000 की ही लाइबिलिटी है। तो पहले हम क्या करेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व टू रियलाइजेशन 1,00,000 फिर पेमेंट तो करनी पड़ेगी, रियलाइजेशन टू बैंक। ठीक है, अब आप लिखिए इसकी दो एंट्रीज होनी है, केस कौन सा ये 4 कि जितना हमारे पास पैसे हैं उतनी ही हमारी लाइबिलिटी है। तो आप पहले क्या कर दो, केस 4 इसकी पहली एंट्री करो, केस 4 पहली एंट्री लिखो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। हमारे पास 1,00,000 रुपीज है और 1,00,000 ही हमारा क्या है, क्लेम है, तो आप ट्रांसफर कर दोगे सारा का सारा रिजर्व रियलाइजेशन में, बीइंग वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट में हमने क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। अब बात करें हम किसकी, इसकी जो सेकेंड एंट्री है पे तो करना पड़ेगा हमें सारा 1,00,000 की। अब एंट्री करिए रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट भी लिख सकते थे, कितना 1,00,000 समझ आ गया आपको? ठीक है, लिख लीजिए बीइंग वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम पेड, शॉर्ट फॉर्म में ही लिख लियो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम पेड, हमने पे कर दिया। अब वैसे तो इसकी 4 सिचुएशन है, पर मैं चाहती हूँ आप बुक में एक 5 सिचुएशन खुद लिखो, क्योंकि ये सिचुएशन भी हो सकती है पेपर में। लिखिए जरा, मैं बोल रही हूँ, नंबर 5 अपनी बुक में लिख लो पेंसिल से। इफ देयर इज नो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम इन द बैलेंस शीट, इफ देर इज नो वर्कमैन कंपनसेशन, सॉरी क्लेम रिजर्व, देर इज नो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इन द बैलेंस शीट बट देर इज ए क्लेम ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रुपीज 1,00,000। इसका मतलब क्या है, हमारे पास कोई लाइबिलिटी वो नहीं है, रिजर्व नहीं पड़ा हुआ, दैट इज अनरिकॉर्डेड, पर हमें पे करना पड़ रहा है 1,00,000। तो आप एंट्री क्या करेंगे, लिखो, मैं केस 5 बना दिया मैंने उसको, केस 5 की एक ही एंट्री होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। हमारे पास रिजर्व है ही नहीं, पर हमें पे करना पड़ेगा क्योंकि क्लेम हो गया। तो आप एंट्री करेंगे वर्कमैन कंपनसेशन का क्या करोगे, रियलाइजेशन टू बैंक बीइंग वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम पे। तो ये सारी सिचुएशंस पेपर में आ सकती है, ये क्वेश्चन के बीच में भी आ जाती है, वो डिपेंड करता है। ये तो सारी एंट्रीज मैंने आपको वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से और क्लेम से रिलेटेड कराई है,
अब मैं आपको बेटा अगला जो है वो बता रही हूँ, क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसमें भी हमने जरूरी बनाना है, पर आप बेटा बड़े ध्यान से समझना, ऐसे पेपर में क्वेश्चन 6 मार्क्स में आ जाते हैं। अब जैसे जैसे मैं क्वेश्चन रीड करूंगी ना बेटे, वैसे वैसे ही मैं आपको आंसर लिखती जाऊंगी। अब क्या है, सेकंड क्वेश्चन में हमने जनरल बनाना है। नंबर वन है एक्सपेंसिस ऑफ रियलाइजेशन 8000। क्या मतलब इसका, हमारे रियलाइजेशन के एक्सपेंसिस है 8000, कुछ नहीं लिखा किसने पे करने हैं। तो याद रखना, जब भी कुछ नहीं लिखा तो हम ये समझ के चले कि ड्यूटी किसकी है, पार्टनरशिप फॉर्म की। तो पार्टनरशिप फॉर्म क्या कर रही है, पे कर रही है। जब भी हम पार्टनरशिप फॉर्म का नाम लेते हैं ना, उसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं, रियलाइजेशन। हम क्या करते हैं, रियलाइजेशन में डाल देते हैं। अब लिखिए इसको, सेकेंड का सोल्यूशन, जनरल का फॉर्मेट बनेगा। अलग अलग केसेस है बेटा, तो बनाइए जनरल, डेट पर्टिकुलर्स LF, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। क्वेश्चन नंबर टू, पहले आपको केस वन दिया हुआ है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। तो वन लिखो, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्यों बेटा, क्योंकि व्हेन इट इज गिवन इन द क्वेश्चन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, ये नहीं बताया किसने पे करने, तो आपको खुद सोचना है, ड्यूटी फॉर्म की है। तो हम एंट्री क्या करिए, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है, कितने 8000। आप करेंगे बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय फर्म, नरेशन लिखिए, बीइंग रियलाइजेशन, इसको डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस भी कहते हैं, एक्सपेंसेस पेड बाय फर्म, हमारी फर्म ने पे कर दिए हैं, पेड बाय फर्म। क्लियर हो गया पहला। अब जैसे जैसे क्वेश्चन के पार्ट आते जाएंगे, वैसे वैसे जो है मैं आपको पार्ट वाइज कराती जा रही हूँ। अब आगे पढ़ लो, पार्ट टू क्या है इसमें, एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन 10000 वर पेड बाय ए पार्टनर। अब रियलाइजेशन के जो खर्चे हैं ना, वो हमारी फर्म ने पे करने हैं, पर पे कौन कर रहा है, पार्टनर। अब बच्चे कहते हैं मैम यहाँ लिखा तो नहीं कि फर्म ने पे करने हैं। बेटे जब एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन है तो वो ड्यूटी किसकी है, जब तो कुछ नहीं बताया गया, तो वो ड्यूटी फर्म की है, पर पे कौन कर रहा है, हमारा पार्टनर, पार्टनर का नाम क्या है नहीं पता। तो आप एंट्री लिखिए, नंबर टू, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब कौन सा पार्टनर नहीं लिखा हुआ, तो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखेंगे। अगर लिखा था मोहन ने पे किया तो टू मोहन कैपिटल करते, ठीक है। अमाउंट कितना है बेटा, 10000। आप लिखेंगे बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय फर्म, बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय फर्म, सॉरी पेड बाय पार्टनर ऑन बिहाफ ऑफ फर्म का, मतलब फर्म के बिहाफ पर पे किया है, तो हमारी ये लायबिलिटी बन गई क्या, कि आज हमारे पार्टनर ने पे कर दिया तो कल को हमें पे करना पड़ेगा अपने पार्टनर को। या हम कह सकते हैं कि पार्टनर कैपिटल इसलिए क्रेडिट हुआ क्योंकि हमारी लायबिलिटी है कि हमें पार्टनर को पे करना पड़ेगा, क्योंकि खर्चा किसका था, फॉर्म का, तभी तो वो रियलाइजेशन डेबिट हुआ। पर कर कौन रहा है, पार्टनर, तो हमारी लायबिलिटी बढ़ गई कि पार्टनर को देने पड़ेंगे 10000 रुपीज। अब सिचुएशन थ्री समझ लेना, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ 12000 वर टू बी मेट बाय तुषार। तुषार हमारा पार्टनर है जिसको 12000 रुपए पे करने हैं, बट वर पेड बाय द फर्म, फर्म ने पे किए। जिस तरह हम उसकी ड्रॉइंग्स की एंट्री करते हैं ना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, वैसे ही होगी। लिखो बड़े, समझ भी आ जाएगी आपको। थर्ड लिखो, थर्ड, तुषार की ड्यूटी थी, तुषार पे करता, पर किसने पे कर दिया, हमारे फर्म ने। तो आप लिखिए थर्ड पॉइंट, तुषार्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जिसकी ड्यूटी है ना याद रखना उसको ऊपर रखना है। अगर फर्म की ड्यूटी है तो किसको ऊपर रखना है, रियलाइजेशन को। अगर पार्टनर की ड्यूटी है तो पार्टनर को, टू बैंक अकाउंट, ठीक है, पेमेंट होगी हमारी बैंक के थ्रू। अमाउंट कितना बेटा, 12000। तो आप लिखिए इसकी नरेशन, बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय
farm on behalf of Tushar. On behalf of Tushar. तुषार के बिहाफ पर किसने फॉर्म ने पे कर दिए. क्लियर हो गया. अब हम केस फोर करते हैं. केस फोर में क्या है. सुरेश अ पार्टनर वाज पेड रेमुनरेशन ऑफ 10,000 एंड ही वाज टू मीट ऑल द एक्सपेंसेस. हमें क्या करना पड़ा. सुरेश को रेमुनरेशन देनी पड़ी. कई बार हम पता क्या कहते हैं पार्टनर को. तुम्हारे डिसोल्यूशन करवा. फर्म की डिसोल्यूशन मीन्स सारी एसेट्स को बेच और लायबिलिटीज की पेमेंट कर. तुझे हम क्या देंगे. रेमुनरेशन देंगे और तू ही खर्चे कर लियो. ठीक है. तो अब हमको सैलरी देने की जो रेमुनरेशन देने की एंट्री क्या करेंगे. लिखिए नंबर 5 रियलाइजेशन अमाउंट डेबिट 2 किसको दे रहे हैं. सुरेश को ना. 2 सुरेश कैपिटल अकाउंट. क्या दे रहे हैं. हम रेमुनरेशन दे रहे हैं कितने की. 10,000 की. ठीक है. तो अब लिखिए जब हम उसको रेमुनरेशन देंगे तो उसकी कैपिटल बढ़ जाएगी ना बेटा. तो हम लिखेंगे बीइंग रेमुनरेशन पेड बाय फॉर्म टू सुरेश. सुरेश को पे कर दी गई इसके द्वारा. फॉर्म के द्वारा पेड वर्ड की जगह वैसे क्वेश्चन में ना पेबल लिखना चाहिए था. पेबल क्वेश्चन में ठीक कर लो. पेबल होगा. अगला है नंबर 5. ध्यान से सुनना नंबर 5 क्योंकि इसमें बच्चे गड़बड़ कर जाते हैं. वीरू अ पार्टनर वाज पेड रेमुनरेशन ऑफ 15,000 एंड ही वाज टू मीट ऑल एक्सपेंसेस. अगर लाइन यहाँ खत्म हो जाती आगे ना होती तो एंट्री क्या करते हैं. रियलाइजेशन टू वीरू कैपिटल. जैसे अभी की है कि वीरू को हमने कहा भाई तेरे को रेमुनरेशन मिल रही है तो हम रियलाइजेशन टू वीरू कैपिटल कहते हैं. पर नहीं आगे पढ़ो. एक्चुअल एक्सपेंसेस 20,000 ईच वर पेड बाय फर्म. हमारी फर्म ने पे की है. ड्यूटी किसकी थी. वीरू की. पे कौन कर रहा है. फर्म. ठीक है. तो अब इसकी आप 2 एंट्रीज बना लो या कुछ बच्चे क्या करते हैं एक एंट्री भी बना के कंबाइंड कर लेते हैं. पर कंबाइंड में क्या होती है कंफ्यूजन होती है. तो मैं आपको 2 एंट्री बता रही हूँ इसकी. लिखिए पहले आप जो पार्टनर है जिसका नाम है वीरू उसको रेमुनरेशन देने की एंट्री कर दो नंबर 5. इसके 1-2 पार्ट बना लो. एक ए पार्ट है रियलाइजेशन. हमारी फॉर्म क्या दे रही है. वीरू को रेमुनरेशन दे रही है. रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 2 वीरूज कैपिटल अकाउंट. वीरूज कैपिटल अकाउंट. ठीक है. कितने रुपीज दे रही है हमारी फॉर्म उसको. 15,000 दे रही है. ठीक है. आप लिख लीजिए बीइंग रेमुनरेशन पेबल टू वीरू बाय फॉर्म. फॉर्म के द्वारा पेबल है दे रही है उसको बंदा का. पर आगे क्या हुआ. वीरू की ड्यूटी थी वो रियलाइजेशन के खर्चे करता. पर कौन पे कर रही है. हमारी फर्म कर रही है. तो वीरूज कैपिटल डेबिट हो जाएगा. वीरूज कैपिटल अकाउंट डेबिट. ड्यूटी तो वीरू की थी ना पे करता अपनी पॉकेट से. और लिखा हुआ हमारी फर्म पे कर रही. तो ड्यूटी किसकी है. वीरू की. इसको करो डेबिट. कितना. 20,000. बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय फॉर्म ऑन बिहाफ ऑफ वीरू. अब इसको मैं दूसरे तरीके से भी समझाऊंगी आपको क्लियर हो जाएगा. ऑन बिहाफ ऑफ वीरू. आप पहले तो ये देखो वीरू को हमने क्या कार्रवाई. तो 15,000 रुपए ले ले पर रियलाइजेशन के खर्चे कर ले. पहले हमने एंट्री की उसको रेमुनरेशन देने की. रियलाइजेशन टू वीरूज कैपिटल 15,000. फिर हमने क्या किया उसके बिहाफ पर पे कर दिया 20,000 का खर्चा जबकि ड्यूटी वीरू की थी. तो एंट्री करी वीरूज कैपिटल टू बैंक 20,000. अगर हम इस एंट्री को कंबाइंड करके देखें दिमाग लगाना. दिमाग क्या लगाना है. रियलाइजेशन 15,000 वीरूज कैपिटल 5,000.
टू बैंक अकाउंट 20,000। आप देख लीजिए सोल्यूशन में भी एंट्री क्या की है, रियलाइजेशन लेवल 15,000, वी यूज कैपिटल 5,000 टू बैंक अकाउंट 20,000। ये एंट्री कंबाइंड भी हो सकती थी, पर हम बच्चों को कंफ्यूजन रहती है तो मैं क्या देती हूँ, अलग करती हूँ। पहले उसको रेमोल्यूशन देने की एंट्री कर दो, फिर उसके बिहार पर जो पार्टनरशिप फॉर्म ने पे किया उसकी एंट्री कर दो, रियलाइजेशन एक्सपेंसिस को पे कर दिया। अगला पॉइंट नंबर 6, रियलाइजेशन एक्सपेंसिस अमाउंटिंग टू 15,000 वर पेड बाय द फर्म, 10,000 वर टू बी बोर्न बाय पार्टनर एंड द बैलेंस बाय द फर्म। 15,000 का खर्चा हुआ, कौन पे कर रहा है, फर्म, सारा का सारा। ड्यूटी किसकी है, 10,000 ड्यूटी थी पार्टनर की और 5,000 ड्यूटी फर्म की थी, पर पे कौन करी, फर्म। तो हम देखेंगे ड्यूटी किसकी थी, पहले ड्यूटी थी रियलाइजेशन डेबिट, किसकी ड्यूटी थी, फर्म की 10,000, और बाकी 5,000 किसकी ड्यूटी थी, पार्टनर्स कैपिटल डेबिट 5,000 टू बैंक अकाउंट कितना, 15,000। दोबारा समझा मैंने क्या बोला, पार्टनर की ड्यूटी कितनी थी, 10,000 रुपए पे करना, 10,000 याद रखो, 10,000 पे करना था, तो 5,000 किसकी थी ड्यूटी, फर्म की। तो मैं एंट्री लिखो किसकी, बस एक दो एंट्रीज रह गई है, फिर क्वेश्चन कंप्लीट। और लिखो नंबर 6, सिचुएशन पर डिपेंड करता है बेटा कि इसका सोल्यूशन क्या होगा। और सिचुएशन ये कौन सी है, नंबर 6 है, क्या रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हमारे फॉर्म ने पे कर दी है, ठीक है, जितने फॉर्म को पे करना है उतने लिखो ना, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट फॉर्म ने कितने करने बेटे, 5,000 लिखो, और 10,000 की ड्यूटी किसकी है, पार्टनर की, पार्टनर को डेबिट करो, पार्टनर का नाम नहीं पता तो कोई बात नहीं, लिखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब ये डेबिट क्यों हुआ, क्योंकि हमारी फर्म जो है पार्टनर के बिहाफ पर क्या कर रही है, पे कर रही है, कितना कुल मिलाकर पे तो 15,000 कर रही है, पर फर्म की ड्यूटी कितनी थी, 5,000, तो 10,000 किसके पे कर रही है, किसकी ड्यूटी थी, पार्टनर की। तो लिखो बी रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय फर्म ऑन बिहाफ ऑफ पार्टनर, पार्टनर के बिहाफ पर, सारे नहीं मैं कह रही, 5,000 तो फर्म की ड्यूटी थी खुद पे करती, पर वो 15,000 कर रही है, तो 10,000 किसके कर रही है, पार्टनर की, ठीक है। अब ये नरेशन होगी खत्म, अब करें लास्ट पॉइंट नंबर 7, गोरी अपार्टमेंट वाज अलाउड रेमुनरेशन ऑफ 25,000। गोरी को कहा तू हमसे क्या ले ले, रेमुनरेशन ले ले, एंट्री करो रियलाइजेशन टू गोरीज कैपिटल एंड ही वाज मीट ऑल एक्सपेंसेस, उसकी ड्यूटी है अपने घर से पे करे रियलाइजेशन के खर्चे, और फॉर्म 5,000 पे करनी है। क्या आपको ये पॉइंट वैसा नहीं लग रहा, कैसे वाला, जो हमने एक पॉइंट किया था 5th, वैसे ही है ना पॉइंट, पहले हम रेमुनरेशन की एंट्री कर देते हैं फिर उसके बिहा पर एक्सपेंसेस को पे करने के रखते हैं एंट्री। तो इसके बेटे दो एंट्री होंगी इस केस की, नंबर 7 की, इसके पार्ट बना लो ए, क्या पहले उसको रेमुनरेशन दे लो, अभी गोरी अपने रेमुनरेशन ले गए, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू गोरी कैपिटल अकाउंट, ठीक है। बी कितना गोरी को दे रहे हैं, 25,000 रुपया, 25,000 बी रेमुनरेशन अलाउड टू गोरी, गोरी को लू कर दिए, इसके बदले में उसको कहा तू ऐसे कर रियलाइजेशन के खर्चे कर ले, पर वो भी नहीं कर रही, ड्यूटी किसकी है, गोरी की ना, करो डेबिट गोरी को, बी पार्ट इसका, गोरीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, गोरीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितना अमाउंट, 5,000। Being realization expenses being realization
expenses paid by firm, on behalf of गोरी, कि गोरी के बिहाफ पर पे कर दिए गए हैं रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस। समझ आए? अब बच्चे क्या करते हैं, बड़ी कंफ्यूजन होती है उनको, दोबारा सुनो, पहले आप उसको रेवोल्यूशन दे दो, फिर उसके बिहाफ पर पेमेंट करते हो, किसकी, रियलाइजेशन एक्सपेंस की। कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो कहते हैं कि क्या मैडम हम इसको कंबाइंड एंट्री कर सकते हैं, फिर मैं कहते हैं बिल्कुल कर सकते हैं, पर कंबाइंड करने से पहले ये ध्यान रखना आप कंफ्यूज नहीं होने चाहिए। आप देखो अगर मैं इकट्ठी एंट्री करूं तो एंट्री क्या हो सकती है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 25,000 टू गोरीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू गोरीज कैपिटल अकाउंट 20,000 टू बैंक 5,000। और बच्चे कहते हैं मैम क्यों, गोरी को 20,000 क्यों, 25 देखो वो क्रेडिट है, 5 वो डेबिट है, तो 20,000 ही वो क्रेडिट हुई ना, तो कंबाइंड करोगे तो रियलाइजेशन डेबिट 25,000 टू गोरीज कैपिटल 20,000 टू बैंक अकाउंट 5,000। क्लियर हो गया? ठीक है बेटा, आज आपने इस वीडियो में क्या सीखा कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से रिलेटेड एंट्रीज क्या होती हैं और रियलाइजेशन से रिलेटेड क्या होती हैं। अलग अलग सिचुएशन देखी कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस जो है फर्म पे कर रही है तो क्या एंट्री होगी, पार्टनर फर्म के बिहाफ पर कर रहे हैं तो क्या एंट्री होगी, और पार्टनरशिप फर्म जो है पार्टनर के बिहाफ पर कर रहे हैं तो क्या एंट्री होगी, और क्या कराया मैंने कि रेमुनेशन हमारी पे कर रही है पार्टनरशिप फर्म पार्टनर को तो क्या एंट्री होगी, है ना। अभी और एंट्रीज भी बाकी है जो बेटा मैं आपको अगली वीडियो में समझाऊंगी। सो स्टूडेंट आई होप यू अंडरस्टूड द टॉपिक वेल, स्टे ट्यून्ड विद मी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।